से ये हाथ में फांसी का फंदा है। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। बहुत लंबी कहानी है, दिनों की बात है जब मैं तेरा पुत्र अनुसरण ली कब्बर हरिपुर गांव को लूटने आया है। सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डाकू को मारना पड़ा और मैं कब्बर काशीनाथ, मेरा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं शोले शूटिंग का और एक लोकेशन दिखाने वाला हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर साहब का साथ जुड़े हुए है। मेरा जो आज वीडियो है वो ठाकुर साहब जब घोड़ा लेके दौड़ रहा था गब्बर का पीछे पीछे पकड़ने के लिए, वही कुछ लोकेशन मैं आज आपको दिखाएंगे। दोस्तों आइए वीडियो में बना रहिए। रामलाल जी आपके बेटी जवान है, कैसी है तो खा लीजिए। हाँ, कैसी है तो खा लीजिए। चलिए। दोस्तों यही वो जगह है जिधर राधा का गांव बसाया था। देखिए वही वो मैदान है, वो मैदान में दो टेबल लेके वही गांव बसाया था। एकदम बिल्कुल मैच हो गया दोस्तों, यही हो जाएगा है। अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं? अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से? ठाकुर चाचा होली रंगों का त्योहार है, लाल पीले नीले हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया। का देखिए दोस्तों यही वो जगह है जिधर से ठाकुर साहब घोड़ा लेके गब्बर सिंह के अड्डे में जा रहा था, यही वो
100% लोकेशन है। देखिए थोड़ा जंगल के लिए वो साफ नहीं है पहाड़ी, और उधर वो गोपर सिंह का अड्डा है। सेम टू सेम वही। देखिए दोस्तों, जब गब्बर का पीछे ठाकुर भाग रहा था पकड़ने के लिए, तो हम इधर का थोड़ा सीन आपको दिखाई देगा। वो पीछे से जो एक पहाड़ी दिखाई जा रहा है वो बिल्कुल पहाड़ी दिखाई जाएगा। और दोस्तों और एक बात बोल रहा हूँ, ये जो अभी रोड है उस टाइम ये रोड नहीं था, ये पूरा के पूरा देखिए पहाड़ी था। पहाड़ काट के इधर, पहाड़ काट के इधर रोड बनाया। हाँ, इसीलिए ये पूरा उस टाइम ऐसे ही खाली था, लेवल था। देखिए यही वो पोजीशन, देखिए पीछे का जो पहाड़ी है सुन करके दिखाता हूँ। आपको दिखाई देगा एकदम बिल्कुल मैच हो जाएगा, ये 100% सही जगह। उस तरफ से ठीक उस तरफ से ऐसे घोड़ा लेके ऐसे भागते भागते जा रहा था, जाने के बाद ऐसा थोड़ा दिखाई देगा वो हल्का सा ऊपर ऊपर दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, उस टाइम ये पहाड़ी इतना ऊंचा से नहीं दिखाया, ऐसा नीचे से दिखाया, जगह भी थोड़ा नीचे ही था ऐसा दिखाया, ठीक है ऐसा दिखाया। और पीछे का जो पहाड़ी है ऐसा थोड़ा इधर का एक सीन है। दोस्तों ये वो जगह है, ये जगह का अंदर ही आम का बगीचा है। मैं आज से बाहर से आपको आम का बगीचा दिखा रहा हूँ, अंदर जाके मैच करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो गब्बर सिंह को पीछे पीछे भाग रहा था ठाकुर साहब, वही कुछ सीन आपको दिखाएंगे। दोस्तों देखिए ऐसा एक जगह है, ढूंढ मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो आइए आपको दिखाता हूँ एक एक कर। दोस्तों देखो ये जो अर्कावती रिवर है, इसी का किनारे ये सब लोग मछली पकड़ रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है। देखो भाई क्या मछली मिला क्या? मछली मिलता है लेकिन आज हम लेट हो गया है ना। आज लेट हो गया? अच्छा अच्छा, उसे एक भी नहीं पता है। नहीं पता है? अच्छा अच्छा अच्छा, धूप ज्यादा की वजह से नहीं पड़ रही है। अच्छा अच्छा, धूप थोड़ा पड़ा है ना। हां हां, ऐसा ही पकड़। तुम लोग सब इधर ही रहने वाला? हां इधर ही रहूंगा। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा है। क्या भी मछली है तो दिखाओ भाई। नहीं है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर आए तो मछली मेरे को बोलना, मैं इधर ही हूँ। हां ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? कुमार। कुमार, अच्छा। तुम्हारा? महबूब। महबूब, तुम्हारा? जाहिर। अच्छा अच्छा, ठीक है। दोस्तों ये है अर्कावती रिवर, ये जो रिवर है ये रिवर नंदी हिल बोल के एक मशहूर हिल है, वो हिल से उत्पत्ति होके
ये कनकपुरा मेकेदाट बोल के एक जगह है, उधर से कावेरी नदी में जाके मिलता है। अच्छा दोस्तों, ये जो रिवर है अर्कावती रिवर, यही रिवर पे घोड़ा लेके ठाकुर साहब दौड़ रहा था गब्बर का पीछे पीछे, यही वो जगह है दोस्तों। ये ब्रिज ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये ब्रिज का कारण थोड़ा खुदाई ज़्यादा हो गया, एबर खबर हो गया, पूरा लेवल ही था उस टाइम, 50 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, और ये ब्रिज ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो यही वो रिवर है जो रिवर का ऊपर से ठाकुर साहब गब्बर सिंह को भागा रहा था पीछे पीछे पकड़ने के लिए, यही वो जगह है। तो आइए आपको इसको अच्छा तरीके से दिखाता हूँ दोस्तों। यही वो जगह है जिधर से घोड़ा लेके भाग रहा था गब्बर सिंह, और ठाकुर साहब उसका पीछे पीछे भाग रहा था। मैं एक्चुअली आपको दिखा रहा हूँ, वो जो रोड दिख रहा है उधर से आ रहा था घोड़ा लेके। ठीक ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो रास्ता देख रहे हैं इधर से आ रहा था, इधर से आके इधर से होके इधर से निकल जाएगा, इसका सबूत ये देखिए। यही वो पुराना घर नहीं है, ये एक्चुअली ये गेट है, इधर से ही भाग रहा था दोस्तों। देखिए एकदम बिल्कुल 100% वही लोकेशन दोस्तों, ये देखिए। ये तो मैं नीचे से दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इतना नीचे से नहीं दिखाया, दिखाया बहुत ऊंचा से दोस्तों। देखिए वो ऊपर से शूट किया था, तो मैं वो ऊपर जाके दिखाएंगे जितना हो सके, बाद में ऊपर से ही वो नदी भी दिखाएंगे। देखिए ये तो ऊपर से जब शूट किया था तब तो ये नीचे का नज़ारा आप नहीं देखा, सिर्फ ऊपर का जो ऊपर का नज़ारा ही देखा। तो मैं ऊपर से कितना होता है आपको दिखाता हूँ। यही वो रोड है दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए यही वो रोड है, यही वो जगह है जिधर से घोड़ा लेके गब्बर का पीछे पीछे ठाकुर साहब भाग रहा था। देखिए ऐसे आके उधर से जाके आपको ये नदी का ऊपर से घोड़ा लेके जो जाता है दिखाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों, वही थोड़ा सा बाद दिखाई दे रहा है, यही और नदी है अर्कावती रिवर जिधर से शूटिंग किया था। और देखिए दोस्तों, वही वो दोस्तों वही वो जगह है, आप ठीक से मिला लीजिए, वही वो जगह है जिधर से घोड़ा लेके स्टार्ट हुआ था, उधर से ही वही रास्ते से दौड़ते दौड़ते भागते भागते इधर से आएगा, इधर से आएगा। देखिए इधर से आके उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद वो नदी आपको दिखाई देगा। नदी बोले तो ब्रिज तो नहीं दिखाई देगा, ब्रिज तो फिलहाल हुआ, ये देखिए। और ये फिल्म हुआ लगभग 50 साल हो गया, यही अर्कावती का शूटिंग है दोस्तों।
तो बिल्कुल एक्यूरेट मैचिंग हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों यही हो जाएगा है, देखिए इधर से घोड़ा लेके आके इधर से घुस जाएगा घोड़े। देखिए दोस्तों एकदम सेम वही जगह है, वो तो थोड़ा पेड़ है इसलिए दिखाई नहीं देता, वो तो मैं नीचे से दिखा, लेकिन यही वो जगह है 100% दोस्तों। देखिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और एक वीडियो देखेंगे बाद में। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।